दोस्तों पोको एक सीरीज की तरफ से बहुत जल्दी इंडिया पे एक न्यू डिवाइस मिलने वाला है, जो कि ट्विटर पर बता दिया कि पोको एक्स फोर स्मार्टफोन बहुत जल्दी इंडिया पे आने वाले। दोस्तों मुकुल शर्मा ने ट्विटर पर बता दिया है दोस्तों, इसका कुछ लीकेज आर्टिफिशियली लीक हुआ था दोस्तों, और पोको एक्स फोर स्मार्टफोन होने वाली है पोको एक्स थ्री की इंप्रूवमेंट एक डिवाइस दोस्तों, जिसके अंदर आपको पोको एक्स थ्री के अंदर जो भी स्पेसिफिकेशन आपको जो भी फीचर्स देखने को नहीं मिलता वही फीचर्स आपको पोको एक्स फोर के अंदर देखने को मिल जाएगी। यानी कि दोस्तों पोको एक्स थ्री के अंदर जो कमियां देखने को मिला था वही कमियां दूर करने के लिए पोको एक्स फोर आने इंडिया पे बहुत जल्दी दोस्तों, और पोको एक्स फोर के अंदर कुछ एक्साइटिंग फीचर्स एंड कुछ न्यू लुक भी आपको देखने को मिलेगा पोको एक्स फोर के अंदर, बहुत कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा पोको एक्स फोर के अंदर दोस्तों। मीडियस बजटेबल स्मार्टफोन होने वाली है पोको एक्स सीरीज दोस्तों, और बहुत जल्दी इंडिया पे लॉन्च होने वाली है, और इसका जो अनऑफिशियल कुछ स्पेसिफिक लीक हुआ था दोस्तों इसके अंदर आपको बताऊंगा, और डिस्प्ले फीचर्स के बारे में बता दूं दोस्तों आपको, ऐसे तो 6.67 इंच के फुल एचडी प्लस डिस्प्ले देखने को मिल रहा है पोको एक्स फोर स्मार्टफोन के अंदर, जिसके अंदर आपको 120Hz रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है दोस्तों। और बात करते हैं कैमरा के मामले में, 101 मेगापिक्सल कैमरा सेटअप के साथ आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा दोस्तों, जो कि अनऑफिशियली कन्फर्म नहीं है कि आपको 101 मेगापिक्सल ही कैमरा सेंसर देखने को मिलेगा, और शायद कम भी आपको देखने को मिल सकता है, शायद 108 मेगापिक्सल कैमरा सेंसर भी आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों। 101 मेगापिक्सल 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल ऑटो फोकस के साथ डिजिटल जूम के साथ दोस्तों, जिसके अंदर आपको 4K रिकॉर्डिंग सपोर्ट भी आपको देखने को मिलेगा, एंड 32 मेगापिक्सल की फ्रंट कैमरा आपको देखने को मिलता है पोको एक्स फोर स्मार्टफोन के अंदर दोस्तों। और ऐसे प्रोसेसर की बात किया जाए तो फिर आपको कॉन्फर्मेशन नहीं दिया गया है कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन की तरफ से आपको कौन सा प्रोसेसर देखने को मिलेगा, लेकिन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन की तरफ से आपको प्रोसेसर 5G प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो भी अनऑफिशियली खबर मिला है कि 870 प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा पोको एक्स फोर के अंदर, जिसके अंदर आपको क्लॉक स्पीड 3.2 GHz क्लॉक स्पीड देखने को मिलेगा ऑक्टाकोर प्रोसेसर, और 1x2.4 GHz 475 प्राइम आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। और ग्राफिक की बात किया जाए तो GPU की बात किया जाए तो फिर एड्रेनो 620 GPU देखने को मिलता है दोस्तों, और बैटरी बैकअप की बात की जाए तो फिर 5200 mAh लाइव पॉलीमर बैटरी के साथ नॉन रिमूवेबल बैटरी देखने को मिलता है, फास्ट चार्जिंग सिस्टम के साथ 67W की फास्ट चार्जिंग सिस्टम आपको देखने को मिलेगा इसी पोको एक्स फोर सीरीज के अंदर दोस्तों। ऐसे तो पोको एक्स फोर के अंदर बहुत बढ़िया एक स्पेसिफिकेशन देखने को मिलता है, फीचर्स देखने को मिलता है, डिजाइन भी थोड़ा एक्साइटिंग देखने को मिल सकता है, शायद कुछ भी डिजाइन के मामले में कुछ भी लीकेज वगैरह नहीं हुआ है दोस्तों। और मीडियस बजटेबल स्मार्टफोन होने वाले 20,000 से लेकर 30,000 के से इसका प्राइस होगी दोस्तों, बहुत जल्दी इंडिया पे लॉन्च होने वाले, शायद 2021 के लास्ट महीने में या नवंबर या दिसंबर महीने में मिल सकता है पोको एक्स फोर स्मार्टफोन दोस्तों। उम्मीद करूंगा वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए, चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक।